पेट फेर आ गया भाई, क्योंकि आपके बाइसेप्स को जो लुक, जो फैलाव इस वर्कआउट से मिलता है, अगर इससे भी फर्क नहीं आया ना तो फिर ना आओ भाई, तारा फर्क। मेरी बहन गए, अरे परिश्रम का फल जरूर मिलेगा, कातिल लुक देगा यार, मैं एक्चुअली आपको बता रहा हूँ। ये नर बक्शी टाइप खाना खाना पड़ रहा है उठते के साथ ही। चेक कराएंगे 15 दिन के अंदर में कितनी कंडीशन है। राम राम भाई सारा ने, और आज सुबह की शुरुआत करते हैं। मॉर्निंग में उठ चुका हूँ भाई, और अभी जाते हैं जिम में, और पहले जाके नीचे जाता हूँ अपने रूम से उतर के, और जाकर करता हूँ ब्रेकफास्ट, तो प्री वर्कआउट मील लेता हूँ वो आपके साथ शेयर करता हूँ, और फिर चलते हैं जिम में, वर्कआउट करेंगे बाइसेप्स का ताबड़तोड़। तो मिलते हैं प्री वर्कआउट मील पे, और फिर रेडी होकर निकलता हूँ जिम के लिए। तो आज का व्लॉग बहुत ताबड़तोड़ होने वाला भाई, बाइसेप्स का वर्कआउट दिखाऊंगा आपते। तो शुरुआत कर दी है मॉर्निंग तय, जय श्री राम। तो कृपया व्लॉग पर प्यार दे दीजिए, एंड आपके प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चलो चलते हैं अब नीचे। तो भाई यो है मेरा पहला मील, 2 ब्रेड्स एंड ऑमलेट ऑफ 4 eggs। तो 4 अंडे की ऑमलेट और 2 ब्रेड के साथ करते हैं मॉर्निंग की शुरुआत। नर बक्शी टाइप खाना खाना पड़ रहा है उठते के साथ ही, क्योंकि प्रोटीन लोड भी करके जाना होता है अगर, तो ऑमलेट बेटर है। सुबह सुबह थोड़ी कार्ब भी जाएगी, क्योंकि अभी अगर आपको साइज नीन लुक में मेनटेन करना है तो कार्ब तो थोड़ा बहुत डालना ही पड़ेगा बॉडी में। तो चलो मील लेकर फिर मिलते हैं जिम के अंदर में, पहले रेडी हो जाओ फिर चलते हैं। भाई वार्म अप कर लिया, और वार्म अप करे पास चाहिए, देखो भाई अभी हाल फिलहाल ऐसी कंडीशन है, पेट फेर आ गया भाई, और माइक हाथ में लेकर बात करनी पड़ रही है, स्वेटिंग होगी स्टार्ट, गर्मी आ चुकी है। तो वर्कआउट वार्म अप के बाद में मैं बाइसेप्स का कर रहा हूँ, तो अभी कंडीशन देख लो आप, और फिर आपको चेक कराएंगे 15 दिन के अंदर में कितनी कंडीशन है। आज तारीख कितनी है मुकुल? आज 13-14 तारीख है तकरीबन, देख लेते हैं कि आज है 13 तारीख। तो 13 तारीख है, इस महीने का एंड ले लो मोस्टली, 14-15 दिन हो जाएंगे, 27-28 तारीख को मतलब मार्च के अंदर में खुद को फिट करके दिखाएंगे होली तक। तो मिलते हैं, उसके बाद कपड़े उतार के जब दिखाऊंगा आपको, बीच बीच में भी कंडीशन दिखाता रहूंगा। बाइसेप्स का वर्कआउट लेते हैं, पहले मैं लूँगा ऑल्टरनेट डंबल कर्ल, तो 10 kg से करते हैं शुरुआत। पहला सेट है मेरा ऑल्टरनेट डंबल कर्ल, मैं बैठ के लूँगा, 1, 2, 3, 4, 5। आप इसमें ना करते वक्त अगर आप नीचे बार बार नीचे ला रहे हैं जब बाइसेप्स को, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, हाथ नीचे ट्विस्ट करके रिलीज करके, लेकिन मुझे ज़्यादा जो इफेक्टिव पे लगता है वो ये वाला लगता है, यहाँ लाके टाइट करना है, और उसके बाद स्लो नीचे। जितना ज़्यादा आप स्लो लेके आएंगे नेगेटिव पोस्चर, आपका बाइसेप्स बहुत ज़्यादा कातिल लुक देगा यार, मैं एक्चुअली आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जब हम इस तरीके से नीचे लाते हैं ना, तो यहाँ जो बाइसेप बनेगा ना आपका अनबीटेबल। तो ये था मेरा फर्स्ट वर्कआउट, अब लेते हैं सेकंड वर्कआउट। ये है मेरा सेकंड वर्कआउट, और सेकंड वर्कआउट के अंदर मैं लूंगा प्रीचर कर्ल। ये 3 हफ्ते कंटिन्यू में रिपीट करूंगा, क्योंकि किसी भी वर्कआउट को आप हर बार ना बदलें, आप इसे 3 हफ्ते लेके जाएं, उसके बाद बॉडी हैबिचुअल हो जाती है, फिर थोड़ा बहुत चेंज करें। तो आज है ये सेकंड वर्कआउट प्रीचर, जिगजैग बार से है, इजेड बार से लेनी है आपको, नीचे लाना है स्लो एंड इफेक्टिव वे में, अप, शोल्डर लॉक रहेंगे, बॉडी टाइट, 2, 3, hold, 4, 5, और जितना ज़्यादा वर्कआउट को आप फील करके वर्कआउट करेंगे ना, मैं हमेशा कहता हूँ आपको कि आपकी बॉडी बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो ये है मेरा सेकंड वर्कआउट, इसके भी लूँगा मैं 3 सेट, छोटा मसल है, हफ्ते में 2 बार भी ट्रेन कर सकते हैं आप बाइसेप्स को। ये मेरा फाइनल सेट, और वेट कर दिया कम, इसे कहते हैं ट्विस्ट ट्रेनिंग। आपको खुद नहीं पता कि आपके साथ आप कैसा ट्विस्ट दोगे मसल को, 15 रैप करने हैं लाइट वेट से, और जबकि फाइनल सेट है, हाथ भर चुके हैं, ये भी भारी लग रहा है, 4, 5, और मुकुल करा रहा है 7, और पूरी मूवमेंट के साथ 10, 11, 12, 13, 1, 2, 3, 3 सेकंड का होल्ड करना है, 14, 15, मेरी बहन गए, अरे क्यों पढ़ रहे हो भाई, मैं मेरे भाई करने वाले की कभी हार नहीं होती, आपको यू हैव टू वर्क, आपको परिश्रम का फल जरूर मिलेगा, देर हो सकती है लेकिन सवेर नहीं होगी, मिलेगा जरूर मेरे भाई। ये है थर्ड वर्कआउट, 2 कंप्लीट कर चुका हूँ, तीसरे वर्कआउट पे
और इतना इफेक्टिव वर्कआउट है कि आप करके देखें, अगर इससे भी फर्क नहीं आया ना तो फिर ना आओ भाई तारा फर्क। ये हथेलियां ऊपर की तरफ रहेंगी, वजन होल्ड करना है, स्क्वीज स्लो नीचे डाउन, बहुत इफेक्टिव वर्कआउट है। दस रैप लिए मैंने और आप करके बताएं कि इस वर्कआउट से आपको इफेक्ट लगता है या नहीं लगता है। दिस इज फाइनल वर्कआउट, अभी मैं लेता हूँ चौथा वर्कआउट। तीन वर्कआउट आपके साथ शेयर कर लिए, तो चौथा वर्कआउट लेते हैं और इंटेंसिव वर्कआउट हो रहा है आज। 1, 2, 3, 4, 5, इसमें एक ट्विस्ट है वो मैं अभी आपके साथ करूँगा। 6, 7, 8, 9, 10 और 10 रैप के बाद में अभी यहाँ ट्विस्ट करेंगे हम। अभी इसे अभी हमने किया इस तरीके से, ये बिल्कुल इस तरीके से नहीं, थोड़ा सा इस तरीके से। अभी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और यहाँ वर्कआउट जब आप करते हैं ना, जब यहाँ लाके आप टाइट करते हैं और उसके बाद स्लो रिलीज करते हैं, मैं एक्चुअली आपको बता रहा हूँ वन ऑफ द बेस्ट वर्कआउट, जो मेरा बहुत फेवरेट है। और वर्कआउट आप कोई भी करें भाई बाइसेप्स के अंदर, लेकिन मैं लिटरली आपको बोल रहा हूँ इस वर्कआउट को आप कभी मिस ना करें, क्योंकि आपके बाइसेप्स को जो लुक, जो फैलाव इस वर्कआउट से मिलता है वो किसी से नहीं मिलता है। चार वर्कआउट मैंने आपके साथ लिए, मैं कंटिन्यू 3 हफ्ते तक इसी शेड्यूल को रिपीट करूंगा और चेंजेस आपको दिखाता रहूंगा। इसके बाद लेते हैं फोरआर्म का वर्कआउट, वो दिखाता हूं मैं आपको। अब ये है मेरा लास्ट वर्कआउट, और लास्ट वर्कआउट इन द सेंस मैंने आपको कहा कि मैं फोरआर्म जरूर ट्रेन करता हूं बाइसेप्स के साथ, क्योंकि अब बहुत हो गई भी मौज मस्ती मजाक। वर्कआउट अगर सीरियस नहीं करा बोली तो खुद को दिखाना है 15 दिन में कैसे फिट हो सकता हूं। यहाँ लाना है, होल्ड करना है, स्लोली रिलीज। वर्कआउट को जितना आप महसूस करके करोगे ना उतना ही आपका बाइसेप्स बनेगा। बिल्कुल इस तरह भाई सामने, इस हाथ में निशान है, बार बार बोलता हूँ फिर भी इधर आता है। चलो, तो जितना आप वर्कआउट को महसूस करके करेंगे उतना ज़्यादा इफेक्टिव होता है आपका वर्कआउट। और ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा आपको प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में बताना है, और अगर किसी भी तरीके की कोई भी मिस्टेक आपको लगी हो या लगा हो कि इसमें चेंजेस मुझे करना चाहिए तो प्लीज मुझे सजेशंस दीजिए। आई एम वेटिंग फॉर योर सजेशंस एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज का ब्लॉग था स्पेशल फॉर बाइसेप्स, और मैंने एक ब्लॉग और बनाया, आज 2 ब्लॉग शूट किए हैं। एक है वार्म अप आप कैसे करें, बिगिनर कोई भी इंजरी ना हो आपको इससे बचें आप, वो आप ब्लॉग जरूर देखें, उसका आई लिंक मैं डाल रहा हूँ स्टेटस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, जय श्री राम।